बड़ा में छोटा लगाइएगा तो आग तो लग रही है। हाँ तो आप ऊर्जा मत कम कीजिए, बाहर के निकालिए सर, सिलवट खड़ा कर दीजिए। बाप कितना गंदा है उज्ज्वल, पानी जो कि धो दीजिए ना थोड़ा सा। नहीं धोएंगे नहीं, पहुँच सकते हैं। अच्छा पहुँच दीजिए, पहुँच दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, पहले झाड़ू की दस थोड़ा निकालिए। छोटा भी चूल्हा मिलता है, अच्छा पाइप वाला, हाँ एक अच्छा चूल्हा मिलता है जो कि उसका रेगुलेटर का छोटा में भी हम बड़ा छठ में सुनील मामा लोग किया ना, सुनील जी चलो आए थे जो वो छोटा में बड़ा जो सिलेंडर लगाता है छठ के लिए, छठ में करता है लोग काम। सामने वाला भी झाड़ के हटा दीजिए, कच्ची कच्ची खोलिए नहीं मन दी। हाँ सब देखिए कचरा क्या है, जरा टोकरी निकालिए, टोकरी निकाल के जा जा कर पीट दीजिए। देखिए एक लोहा इसमें है, लोहा निकालिए एक जगह सब रखिए। हाँ देखिए सब का लोहा है मेरे पास, जा जा के फिर रख दीजिए। इतना मतलब का हाथ के दादी कुछ कुछ रखती हूँ। आलू प्याज रखेंगे, हाँ हो गया। इस वो बंद कर दीजिए, इसका देख लीजिए कुछ इसमें क्या है, ये वाला ये हाँ इसको भी ऊपर से झाड़ लीजिए। मेरा घर पहुंच दीजिए ऊपर, बहुत गंदा आज कहां से कहाँ जाना है आपको। जब तक हम ना अपना ही अपना हम ही को एक लेटर नहीं दे पाएंगे, मिल लेटर नहीं हुआ अभी, मैं मिल नहीं लेंगे ना उससे। एक बार तो घूम गए, 10 बजे के बाद एक बार घूम गए गए ना तो मीटिंग में था वो एसपी चंद्र कुमार झा, उसका वहाँ पर मैं केवल उनके पास बैठल रहे हैं और पूरा थाना वाला गाड़ी वहाँ पे मीटिंग कर रहा था। बहुत मुश्किल होता है, मिलता है दरबार लगाएगा उस दिन मिल सकता है आपको। एक बार जब तक मिल नहीं रहे हैं तब तक मेरा तो बिना 10-11 बजे 2 बजे के बाद मिलता है, 2 बजे के बाद ही मिलता है सब, समझ लीजिए कोई भी। अच्छा ये 15 बाजार का कोई लेगा तो बोलिएगा, जो पैसा देगा दे देगा, समझ रहे हैं ना। वो लोग जो मेरा घर के बगल में रहता है ना, वो लोग परसों रात को जो है मेरा घर का जो बाड़ी है ना उसमें कुछ मेरी माँ देखी है पूजा का सामान, कुछ 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 रात में जो है ना जाल टोना कर करके मंत्र पढ़ कुछ फेंका है। तो अरे आप लोग वहाँ से हट जाइए, जिंदगी बचा लीजिए। बार बार बोला जा रहा है वो बराबर तंग करेगा तो जमीन आप लोग का जमीन पर उसे पर नजर कर दिया है, उसी लोग का नहीं पूरा ही का एरिया का नजर कर दिया है।
पहले पहले मेरा जमीन पे ना किसी का घर बन रहा है तो उसका सब सामान वगैरह मेरे ही जमीन पे रखता था, फील्ड पे क्रिकेट खेलता था मेरे ही जमीन पे, इतना बड़ा है। हाँ, क्रिकेट खेलता था, फिर जाकर के किसी का शादी ब्याह होता था तो मेरे ही जमीन पे। हाँ, टोटल काम पूरा अगल बगल अब सब का मना कर दिए। अब तो जरा लूटिए लेंगे। सबसे बड़ा गलती मेरा बड़का बाबू जी का, वो बड़की मान लो, वो लोग जानते हैं उनका भी जमीन है इसमें। हाँ, उसे वो लोग क्यों नहीं आ रहा सर? वो लोग तो और खत्म है, वो लोग चुपके चुपके बेच दे रहा जमीन, अब पैसा पकड़ ले रहा है, पैसा ले लिया है। आप लोग रखते रहिए। हाँ, तो आप लोग भी मिलकर बेच दीजिए ना सब, इधर एक ले लीजिए, फ्लैट खरीद लीजिए। आई जमीन यहाँ इतना अच्छा अच्छा जमीन बेचा रहा है, वहाँ जब जान जाएगा सबका तो उससे अच्छा है ना, वहाँ चार जाना है। ये टोकरी ले जाइएगा, कुछ रखिएगा सब्जी भी रखने के लिए। देना इस बार हम सोचे हुए अपना घर में मतलब एक पूरा ऊंचा ऊंचा दीवार देंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, दीवार देने से कुछ नहीं होगा। कैमरा लगेगा, लगेगा कुछ नहीं, सब लगाइएगा, पैसा उसमें नहीं है, छोड़ दीजिए उसमें। क्या चीज? ये बाहर ही पैसा दीजिए, टोकरी और नहीं है उसमें कुछ, बाहर ही निकाल दीजिए बाहर के, पैसा लेगा और पैसा पानी में जाएगा आपका, कुछ फायदा नहीं। कैमरा लगाइएगा तोड़ ताड़ के रख देगा, बड़ा बड़ा शहर में लगता है तो तोड़ देता है, तब आपका कौन गली का बात है। मैं मेरे ये में रहेगा, छिपा छिपा छिपाने वाला कोई भी पता चलेगा, हम समझ में तोड़ देगा, लेकिन उसको हम लोग ऐसे जगह फिट करेंगे घर में, करिए घर से दरवाजा के पास, अपना घर का अंदर कोई दरवाजा के पास रहेगा। हाँ, कि कोई की आ ना जाएगा, पैसा कीजिए करवाइए कि पूरा बगान दीजिए। हाँ हाँ, नहीं है बाबू सब गंदा है, छोड़ दीजिए, ये टोकरी हटाइए बाहर की, बाहर के निकाल दीजिए। चार पांच दिन पहले चार आदमी घुस गया था घर में चुपके से, मार लीजिएगा गर्दन काट लीजिएगा, का कीजिएगा। चार दिन जानते क्या कर रहा था? चुपके से एकदम दीवार के पास खड़ा था, ऐसे ऐसे लाइट देख कर दी कर रहा था। हाँ, वो काट देगा सब, काट वो भी आवेदन में लिखे हैं सब हम लोग। सुनिए, ये जान मार देगा, आजकल बड़ा बड़ा लोग मार रहे, बाप बेटा को मार रहे। अरे ये तो हम छोटा मोटा आदमी है, हम लोग तो मामूली आदमी है, वहाँ जो बड़ा बड़ा जो कॉन्ट्रेक्टर है ना, जैसे कि विदेश में ठीक है चलता है, सरदार है वो, जानते हैं जुगाड़ी मोड़ में, उसका इतना बड़ा जमीन है कि अंदर में जाइए तो खाली रोड रूट बनता है ना, तो उसका जो सामान उमान रहता है मशीन सब वो सब खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें बदमाश लोग पूरा गोली बंदूक ले करके घुसा था, मारा पूरा गोली चला था। अरे अभी हाल ही में हम न्यूज में पढ़े थे कि चास में पूरा दीने में सब लोग गहना लूट लिया है, सबका गहना घर में घुस के मारा भी है, गहना भी लूट लिया, बहुत कांड हो रहा है भाई, बच के रहना है। देखिए हम लोग का ना किसी से मिलना जुलना है, ना किसी से बातचीत, किसी से नहीं, एकदम अकेला। वो लोग जान गया कि ये लोग अकेला आदमी है, अकेला, और वो लोग जानता है कि सीधा शरीफ है। टोकरी आलू प्याज अपने ले लीजिए। अरे अच्छा है, टूटा हुआ है, कहाँ टूटा हुआ है, आलू प्याज की जगह आलू प्याज, फिर भी इसमें हम आलू प्याज आराम से रख जाएगा तो हम समझ रहे हैं, तो फिर
आप लोग ना हम लोग रहते तो यूज करते थे, फटाफट बाहर दीजिए ना सब जल्दी ले जाके रख दीजिए। बेचारा खोलू वही मेरा कढ़ाई ले जाने के लिए खरीदा है वहाँ पर सिंगापुर, सिंगापुर में बहुत महंगा है हर चीज बहुत महंगा है। तो वहाँ उस तरह का सैलरी भी अढ़ाई लाख हाँ मिलता है, अढ़ाई लाख उसको किराया लगता है। अढ़ाई लाख किराया? किराया मंथली? हाँ मंथली। और 10,000 मेंटेनेंस, दो रूम लैट्रिन बाथरूम। पैसा देता है कंपनी लेकिन 2.5 लाख लगता है। हम लोग सोच के आशा करेंगे तो किराया तो वो मतलब कि कंपनी देता है, पैसा देता है लेकिन इसको पॉकेट से लगता है। पॉकेट से लगता है? हाँ तब देखो शिप में थे। अच्छा पहले लगता है पॉकेट से, बाद में मिल जाता है। हाँ सैलरी देता है, जैसे 10 लाख दिया तो 2.5 लाख किराया लग गया। तो वहाँ खाना भी एक छोटा चीज $20 के हिसाब से मिलता है। एक बार गुलू जाता है ना अपना ऑफिस टैक्सी से तो 2,000 लगता है कितना डॉलर। तो वहाँ पैसा नहीं बच रहा घूमने का, अब शिप पर चल जाएगा फिर से हट गए। अब क्या ऑफिशियल जब हो गया, जीएम हो गया ना। अच्छा तो ऑफिशियल सिंगापुर में आ गया है। सीट पर तो तुमको आपको खाना भी मिलता था, पैसा सारा। हम जानते हैं, हम ये भी सोचे हुए थे कि कोई सीप में ज्वाइन अगर करवाएगा ना। पढ़ा लिखा होगा तब ना, साधारण कुक का भी काम कीजिएगा। साधारण कुक नहीं, जैसे वेटर वेटर काम रहता है अंदर में, वेटर का वेटर वेटर 70-80 वेटर जो होता ना जी होटल होटल में। हाँ साफ सफाई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मेरा बेटा हम तो बोलते कि हम उसको एक महीने का सैलरी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो होगा ना लेकिन उसमें उसमें भी खोजता है ना नॉलेज। 80-90 लाख मिलता, 1,000 मिलेगा उसमें। मैट्रिक बेसिस पे नहीं रहे काम? मैट्रिक बेसिस पे छोटा काम? मैट्रिक में तो होगा ही, छोटा कोलवा से कहेंगे। छोटा काम का बात कर रहे हैं? छोटा का मतलब है कि जैसे अब किचन है, कैंट्री सामान आया जहाज से, एक महीना का आ जाता है उसको रखना है सब, वो सब काम अच्छा है। आज जानते हैं उसमें बड़ा लोग जैसे गोलू लोग जीएम लोग। ओ हमको ये सरदार जी है ना ऊपर वाले सरदार जी, उनका चाचा सीप में था, वो लोग वही था। तो बोल के हम थक गए सिंगापुर के लिए, क्या बोलते हैं वही सीप में के काम के लिए। बोलो चलो 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 तो नहीं वैसे इंटरव्यू लेता है। तो हम बोले कि अभी तो मेरे को बोल देंगे अभी तो मेरे। अच्छा उसमें क्या होता है ना कि जितना हर महीना एक रोज हाथ पोछने के तौलिया में जितना चटा होता सारा डस्टबिन में फेंक देता है लोग। बोलो लोग काजू किशमिश आता है डस्टबिन में फेंक के आता है, ड्रेस खूब अच्छा अच्छा जूता वो लोग गोलू नहीं लेके आता है डस्टबिन में फेंका। वो लोग क्या करता है कि धो करके ले आता है यहाँ बेचता है इंडिया। ऐसे काम नहीं मिलता है जमीन पे, वो तो समंदर पर आना पड़ेगा ना। तो समंदर को पता ही नहीं चलेगा आपको समंदर पर है। ओ आप प्लेन उड़ा, लड़की उड़ा रही है, औरत उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है औरत। जमशेदपुर में ही तो जमशेदपुर में भी उन्होंने रिज्वाइन की है। और जब निकाली ना सब हो गए। भाई जो है ना भतीजा 5 करोड़ का इसको टेंडर मिला है, काम मिला है 5 करोड़। लेकिन ईमानदार आदमी चाहिए, मेहनत ईमानदार। जाइएगा तो बोलिएगा तो हम बोल देंगे। ये रूम में जाएगा 5 करोड़ बोला कि हमको आदमी चाहिए। जीएम हो गया है ना मेरा बेटा, जीएम हो गया। सोचिए जीएम हो गया है तो ऐसा तो देता है 10 लाख महीना, लेकिन खर्च बहुत हो जाता, पैसा नहीं बच पाता। तो भी बर्बाद है, तीनों बेटा बर्बाद पढ़ के
कर रहा फिर छोड़ रहा कर रहा छोड़ रहा क्या चीज कर रहे अभी नौकरी जहाँ कहाँ ये लोग घूम घूम के यहाँ कहे थे कि जमीन ले लीजिए नए इनका पुराना कर दिया वो हमको जानते और फिर चला चला के अब पैसा भी नहीं देता बोलता गाड़ी खराब है नहीं चलता है इतना बदमाश है उठा घर वाले तुमसे बाहर चले गए बाबू जल दीजिए कोई नहीं पूछ के लेकिन कम से कम पूजा को पूछा जाता नहीं मेरा सब लोग कह रहे ना फोर का आने वाला था कोई नहीं आया हमें खाने के चलते नहीं है तो बोल रहे थे कि अगर वो लोग आता तो मेरा इज्जत मिला ये रखे यहाँ पर वाला अच्छा बाहर के लिए यही चल के ही वाला था अरे ऊपर रख दीजिए ना ये ऊपर हाँ ये वो ऊपर मत रखिए रहती है ना वो सब मत रखिए खाली ये रखिए ये आइए हाँ रख दीजिए ऊपर पंखा वाला ये वाला बस चलिए ना हाँ बस हो गया लीजिए हाँ ऐसा रख दीजिए बस हो गया हाँ लीजिए वहाँ हमको यूज का दिक्कत है कोई पंखा पूछेगा ना तो बोलिए ना मिस्त्री ले जाए तो ले जाए जो पैसा देना है टीविया को देना था हो गया पता नहीं सर जहाँ जल्दी सक इसको धोबी को दे दीजिए सबको आपको अच्छा कर